कृष्णा, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के बारे में बताऊंगी। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास और मल मास कहा जाता है। मल मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें वह अवसर देता है अपने मन के मैल को साफ करने का, और अधिक मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नियमित महीनों के अलावा अधिक होता है। यह महीना हर 3 साल में एक बार आता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है। यह मास आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जो कोई भी इस मास का व्रत करता है, उसे उसके कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के नाम जप, भगवत सेवा इत्यादि कोई भी प्रेम पूर्वक करे तो उसे उसके कई गुना लाभ मिलते हैं। तो आइए हम भी इस महीने का लाभ उठाते हुए भगवत भक्ति, नाम जप इत्यादि करके दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करें। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांगनानं चदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले, गोपियों के वस्त्र चुराने वाले, उनके आय शरण में सभी के अनेकों जन्मों के पाप चुराने वाले, ऐसे चोरों के अग्रगण्य पुरुष श्री कृष्ण को मैं नमन करती हूँ। श्री राधिकाय हृदयस्य चौरम नवाम्बुधश्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुराने वाले, ताजे घने बादलों की श्याम कांति चुराने वाले, उनके चरण में आश्रितों के पाप ताप चुराने वाले, ऐसे चोरों के अग्रगण्य पुरुष को मैं नमन करती हूँ। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं य करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो भीषण चोर ईदृक् दृष्टश्रितो वा न जगत्त्रयेऽपि। जो अपने चरणाश्रितों को निष्किंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाला भिक्षुक बना देता है, ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोक में सुना या देखा नहीं। यदि नामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसारा नपि पापराशि आश्चर्य रूपो ननु चोर ईदृक् दृष्टश्रितो वा न मया कदापि। नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को समूल कर हर लेता है, ऐसा आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी देखा या सुना नहीं। धनं च मानं च तपेन्द्रियाणि प्राणं च रूपं मम सर्वमेव पलाय सेको प्रधृतो च चोर त्वं भक्ति दाम्नासि मया निरुद्ध। चोर मेरे ध्यान, मन, इंद्रिया, प्राण एवं सर्वस्व को चुराकर आज पकड़े जाने पर कहां भागे जा रहे हो? मैंने मेरी भक्ति रूपी रस्सी से आज आपको बांध कर रोक लिया है। छिनत्सि घोरं यमपाश बंधं छिनत्सि धीमं भवपाश बंधं छिनत्सि सर्वस्य समस्त बंधं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधं। तुम यमराज के
भयंकर पांच बंधन को काट देते हो, संसार के भयंकर पांच बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जन्मों के पांच बंधन को काट देते हो, किंतु अपने प्रेममय भक्तों के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। मन मानसे ताम सरासी भोरे काराग्रहे दुखमये निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषो चितमेव दण्डम्। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप, मैंने आज आपको मेरे अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोषों के उचित दंड को बहुत समय तक प्राप्त करते रहना। कारागृह बसे सदा हृदय मदीय मद भक्ति पाशा दृढ़बंधन चलसन त्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदया नहि मोचयामि। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले, मेरी भक्ति रूप पाश में दृढ़ बंधन से निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करना, क्योंकि मैं तो अपने हृदय कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगी।